हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको कंटिन्यूटी टेस्टर के बारे में बताएंगे। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो फ्रेंड्स, आप बहुत सारे काम कंटिन्यूटी टेस्टर द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर का काफ़ी रेट्स बहुत ज़्यादा होता है और उसका फंक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको छोटा मोटा काम है, आप कुछ चीज़ें चेक करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक हो सकती हैं, मैं इसमें वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको ये कंटिन्यूटी टेस्टर। फ्रेंड्स, ये बाज़ार मार्केट में 20 से 25 रुपए के बीच में मिल जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है कि लोग कंटिन्यूटी टेस्टर बनाना बता रहे हैं, तो जितने में आप बनाएंगे उसको लगभग बनाने में कास्ट 40 रुपए आएगी। उससे अच्छा है कि आप बना बनाए कंटिन्यूटी टेस्टर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीद सकते हैं। ये फ्रेंड्स 20 या 25 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को आप बनाएंगे किसी वीडियो को देख के, तो उसमें बनाने में भले ही रेट लोग लिख दें 20 रुपये 25 रुपये, लेकिन ये 30 40 रुपये आपका खर्च हो जाएगा और टाइम अलग बर्बाद होगा, स्पेंड होगा फालतू। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताता हूँ इससे क्या क्या चीज़ें चेक हो सकती हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि इसका नाम है कंटिन्यूटी टेस्टर, तो ये किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को बताता है कि इन दोनों चीज़ों के कोई भी दो टर्मिनल है किसी डिवाइस के या कोई भी चीज़ है, उनके बीच में कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी हेल्प से आप डायोड, ट्रांजिस्टर, स्विच, एमसीबी, किसी वायर की कंटिन्यूटी आप काफ़ी चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये मेरा डायोड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। फ्रेंड्स, जिसमें एलईडी लगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब हम मैं डायोड एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अगर पॉजिटिव पे पॉजिटिव करेंगे और निगेटिव पे निगेटिव कनेक्ट करेंगे तभी ये कवर करेगा, और पॉजिटिव पे निगेटिव और निगेटिव पे पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे तो काम नहीं करेगा। देखिए, मैं चेक करता हूँ, ये 4007 डायोड है। इसमें जो सिल्वर कलर के रिंग बनी हुई है यहाँ पर, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। किसी भी डायोड में यहाँ पर जो सिल्वर कलर की रिंग होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। देखिए, ये इसने कंटिन्यूटी बता दी। अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा। ये आप मल्टीमीटर से तो चेक कर ही सकते हो, लेकिन अगर मल्टीमीटर नहीं है तो कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, एक डायरेक्शन बता रहा है, दूसरे में नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। फ्रेंड्स, ये मेरा BC547 ट्रांजिस्टर है। फ्रेंड्स, ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, यानी कि NPN, ये बीच वाला, ये कलेक्टर हो गई, ये पिन कलेक्टर हो गई, ये बेस हो गई और ये एमीटर हो गई। फ्रेंड्स, तो अब ये मैं इनके, ये बीच वाला चूंकि पॉजिटिव है तो इसमें मैं बीच वाले पे पॉजिटिव लगा देता हूँ, पॉजिटिव पिन को लगा देता हूँ, इस पे निगेटिव लगा देता हूँ। देखिए, कंटिन्यूटी बता रहा है ये। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये नहीं बताएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ तो ये नहीं बता रहा है, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल है, बीच वाला पॉजिटिव है। ये देखिए, हम मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल को, कंटिन्यूटी टेस्टर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल को इस निगेटिव टर्मिनल पे लगाया, नहीं बता रहा। इसको मैं वापस चेंज करता हूँ, NPN, ये N हुई, ये P हुई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये भी निगेटिव टर्मिनल, NPN। ये मैंने पॉजिटिव, ये बीच में बेस पे लगा दिया और ये मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, ये मेरा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स, आप इसकी ट्रांजिस्टर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, इसमें NPN ट्रांजिस्टर पता लगा सकते हैं कौन सी पिन इसकी पॉजिटिव है, कौन सी निगेटिव है। फ्रेंड्स, ये आप पोजीशन पे, ये स्विच है, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि ये सही है गलत है, ख़राब हो गया। तो ये देखिए, मैं ये आप पोजीशन पर नहीं बता रहा है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया और इन दोनों के बीच में चेक करते हैं। ये देखिए, जल रहा, इसका मतलब ये स्विच सही है। और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो नहीं बताएगा ये। ये देखिए, नहीं बता रहा है। वापस ऑन कर देता हूँ, देखिए, ये देखिए बता दिया। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं MCB को चेक करके बताता हूँ। देखिए, MCB ये ऑन पोजीशन में है, इसके बीच में कंटिन्यूटी है। इसको ऑफ कर देता हूँ, नहीं बताएगा। वापस ऑन कर देता हूँ, देखिए बता रहा है। इस तरह से आप MCB चेक कर सकते हैं। और मैं इसके बाद वायर की कंटिन्यूटी चेक करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब मैंने आइसोलेट, इसमें कोई भी वायर जुड़ा नहीं, कोई भी सप्लाई जुड़ी नहीं है, तभी इसको कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करेंगे। सप्लाई पोजीशन में नहीं आप चेक कर सकते, नहीं तो ये इसके, ये जल जाएगा, ये कंटिन्यूटी टेस्टर आपका ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा
और आपको शॉक भी लग सकता है। ये आप पोजीशन पे, इसमें कोई भी तार नहीं है, कोई भी स्विच को आप चेक करना है, पहले बाहर निकाल लीजिए, सर्किट से बाहर कर दीजिए, तब इसको चेक करिए। फ्रेंड्स ये मेरा वायर है, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर देते हैं, ये ब्लैक वायर का चेक करते हैं। इसके दो टर्मिनल ये दोनों हैं, मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। एक ये टर्मिनल हो गया, एक ये टर्मिनल, देखिए ये मेरा वायर सही है। रेड वायर को चेक कर देते हैं, अगर ये वायर ख़राब होता तो इनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं मिलती, जिसका मतलब है कि ये वायर ख़राब है, बीच से कहीं कटा हुआ है। देखिए मैं रेड वायर चेक कर देता हूँ, ये देखिए ये, अगर मैं ब्लैक और रेड के बीच में इस कंटिन्यूटी टेस्टर को लगाता हूँ तो चूंकि इसके दोनों सिरे अब उधर वाले ओपन है इसलिए नहीं बताएगा। ये देखिए मैं इन दोनों सिरों को आपस में ब्लैक वायर और रेड वायर को यहाँ पर जोड़ देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इनके बाकी दो टर्मिनल से चेक करता हूँ, देखिए अब इनके बीच में चूंकि वायर को कनेक्ट कर दिया है इसलिए बताएगा ये ब्लैक और रेड हो गया। इसको कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं इस तरह से फ्रेंड्स, और इसको आप चेक करते हैं यहाँ, ये देखिए बता रहा है। इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट को आप इस कंटिन्यूटी टेस्टर द्वारा चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं होती है। बिना मल्टीमीटर के तो बहुत सारे ही वर्सटाइल बहुत से उपयोग होते हैं, आप उससे द्वारा तो बहुत सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीमीटर आपके पास नहीं है छोटे मोटे काम के लिए, तो आप कंटिन्यूटी टेस्टर से काम चला सकते हैं।